क्या इस पत्रकार की बेटी के साथ में अगर ये घटना होती, यानी अगर इस पत्रकार की लड़की के साथ में विनय भंग की घटना हो जाती, तब भी क्या यह पत्रकार यही कहता? बस यही सवाल अब हमें इस पत्रकार से करना है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं प्रभात लाइव। हम आज बात करने जा रहे हैं आपसे बलात्कार विनय भंग जैसे बहुत ही संवेदनशील जो एक घटना रहती है, जिससे एक पूरा परिवार सदमे में गिर जाता है, एक लड़की महिला जो भी है इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है, इतने संवेदनशील घटना के बारे में। और उस घटना के बाद में एक बहुत ही असंवेदनशील पत्रकार अपनी जवाबदारी किस तरीके से निभाता है, यानी किसी की चाटुकारिता करने के लिए, किसी की चापलूसी करने के लिए, चापलूसी भी किसकी, जो कि यहां पर आरोपी बनकर आया है, किस चीज का? एक छोटी सी बच्ची के साथ में विनय भंग की घटना हो जाती है और एक पत्रकार उसकी साइड लेते हुए पुलिस प्रशासन पर ही सवाल या निशान लगा देता है कि पुलिस प्रशासन गलत है। भले ये पत्रकार डायरेक्ट डायरेक्ट बात नहीं करता, लेकिन आप उसकी न्यूज देख लीजिए, आप उसकी न्यूज देख लीजिए, उसकी जो ट्रोलिंग है, उसका बोलने का मतलब कि 50-55 साल का इंसान और 10-11 साल की लड़की, क्या ये घटना घटित हो सकती है? मतलब इस पत्रकार के हिसाब से अगर हम चले तो 50 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं ये बलात्कारी नहीं होते, ये विनय भंग की घटना कर ही नहीं सकते। इन्हें सर्टिफिकेट देती है इस पत्रकार ने कि ये बहुत शरीफ लोग होते हैं। अगर इस पत्रकार के हिसाब से चले तो यहाँ के न्यायालयों को, यहाँ के अदालतों को इन सब केसेस को खारिज कर देना चाहिए। यह मामला क्या है अब आप ये सबसे पहले समझ लीजिए। अमरावती जिले के अचलपुर तहसील का सरमसपुरा थाना इलाका, सरमसपुरा थाने में एक शिकायत दर्ज हुई थी कि 50 से 55 साल के एक अधेड़ ने यहाँ की 10 से 11 साल के एक मासूम के साथ में छेड़छाड़ की घटना कर डाली थी। मतलब 50-55 साल के इंसान ने एक 10-11 साल की मासूम लड़की के साथ में छेड़छाड़ की थी। अपनी लड़की को साथ में लेकर इस लड़की की मां सरमसपुरा थाने में पहुंच गई। रोते बिलखते हुए इसने इसकी शिकायत सरमसपुरा थाने में दर्ज करा डाली। पुलिस स्टेशन सरमसपुरा, अपराध क्रमांक 120/2024, कलम 354 IPC, रीड विद 8.12 पॉक्सो अधिनियम, सहकलम 3(1)(II)(IIEA) प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला असून सदर गुन्ह्याचा तपास माननीय उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री अतुल कुमार नोगरे सर हे करत आहेत। काल दिनांक 13/5/2024 रोजी फिर्याद वय 36 वर्ष राहणार मेहरापुरा अचलपूर यांनी तक्रार दिली की त्यांची मुलगी बाहेर खेळत असताना संशयित इसम नामे यांनी तिचा विनय भंग केला, ज्यावरून गुन्हा दाखल झालेला आहे। सदर गुन्ह्याचा विस्तृत तपास सुरू आहे, तपासाची योग्य ती कारवाई केली। अब क्योंकि 10-11 साल की मासूम का मामला था, मामला बहुत गंभीर था, इस केस के पूरे अधिकार यहाँ के SDPO के होते हैं, क्योंकि थानेदार को अधिकार नहीं रहता 18 साल से नीचे की मासूम बच्ची के जो शिकायत आती है इसकी तहकीकात करने का जो अधिकार होता है ये यहाँ के SDPO का होता है। तो इसकी जांच SDPO की तरफ चली गई। इतनी गंभीर घटना आज 10 से 11 साल की मासूम बच्ची के साथ में 50 से 55 साल के अधेड़ ने विनय भंग की घटना को अंजाम दे दिया था, आज हर किसी का खून खून उठा कि इतने छोटी बच्ची के साथ में इस नालायक इंसान ने क्या कर दिया। हर कोई खून उठा, इलाके के लोग यहां पर जमा हो गए और सब मांग करने लगे कि उस इंसान को यहां पर अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। ये जब मामला चल रहा था तो अचानक ब्रेकिंग न्यूज डालने के आदि हो चुके इस एक पत्रकार ने, हम यहाँ पर किसी भी पत्रकार का नाम नहीं ले रहे, हम यहाँ पर किसी भी चैनल का नाम ले रहे हैं क्योंकि हमें इस पत्रकार को या इसके चैनल को टारगेट नहीं करना है। लेकिन कोई पत्रकार अपनी जिम्मेदारी भूल जाए,
कोई पत्रकार अगर किसी चापलूसी में लग जाए तो इतनी संवेदनशील घटना को किस तरीके से लोगों में ला सकता है, यह हम आपको उदाहरण देने जा रहे हैं। जैसे ही यहां पर एफआईआर दर्ज हुई, इन पत्रकार साहब ने अपने चैनल पर इस खबर को प्रसारित कर दिया। खबर में लोगों से क्या आह्वान कर रहे हैं कि सरमसपुरा थाने में जो शिकायत दर्ज की गई है, यह एक तरीके से झूठी शिकायत है। बार बार ये एक चीज पर आप लोगों का ध्यान लेके जा रहे हैं कि 50-55 साल का एक इंसान वो कहीं और रहता है, 10-11 साल की बच्ची कहीं और रहती है, और विनय भंग की घटना कैसे हो गई। ये एक तरीके से उस लड़की को ही टारगेट कर रहा है कि लड़की ने यहाँ पर झूठी शिकायत दर्ज करवा डाली। एक तरीके से ये पत्रकार उस माँ पर टारगेट कर रहा है जो माँ अपनी बच्ची को लेकर थाने में पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज करवा डाली। अब मेरा एक सवाल है उस पत्रकार से और मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से कि क्या कोई भी माँ, दुनिया की कोई भी माँ अपनी बेटी के बारे में इस तरीके की यहां पर शिकायत झूठी दर्ज कराएगी जिसके बारे में हम विनय भंग की बात कर रहे हैं? क्या कोई माँ अपने बेटे के बारे में यह बोल सकती है कि उस इंसान ने मेरे बेटे के साथ में छेड़छाड़ किया, जो ऐसे ही कह देगी? क्या कोई माँ अपनी बेटी की इज्जत खुद ही खराब करेगी थाने में लाकर, लोगों के सामने लाकर कि मेरी लड़की के इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया गया है? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि दुनिया की कोई भी माँ अपने लड़के की बेवजह बदनामी नहीं करेगी। आज वो छोटी सी मासूम बच्ची हर एक चीज बता रही है, लेकिन पत्रकार साहब ने तो क्लियर कर दिया कि 50-55 साल का इंसान विनय भंग तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया इस पत्रकार ने कि 50-55 साल के ऊपर के इंसान बहुत शरीफ होते हैं। सर्टिफिकेट देने वाला है ये पत्रकार आखिर में है कौन, मेरा पहला सवाल, क्योंकि इस पत्रकार को पत्रकारिता के नियम ही पता नहीं है, पत्रकारों के कायदे, पत्रकारों के अधिकार ही पता नहीं है। दुनिया के किसी भी संपादक को यह अधिकार नहीं दिया गया, दुनिया के किसी भी पत्रकार को यह अधिकार नहीं दिया गया कि पुलिस एफआईआर, वो भी विनय भंग और बलात्कार जैसी एफआईआर के ऊपर ही सवाल खड़े कर डाले। मुझे आप एक बात बताइए, यहां पर इस पत्रकार ने साफ साफ बोल दिया कि लड़की की घटना यहां पर गलत। दुनिया के किसी भी संपादक या दुनिया में किसी भी पत्रकार को विनय भंग, बलात्कार और महिला से जुड़ी इस तरीके के सेंसिटिव मामले में जजमेंट करने का अधिकार नहीं दिया गया है। अगर पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर के खिलाफ में बोलने का अधिकार सिर्फ दो जगह पर आता है, एक सर्वोच्च न्यायालय और एक सर्वोच्च राष्ट्रपति। इन दोनों के अलावा कोई भी जज हुए एफआईआर पर अपना जजमेंट पास नहीं कर सकता, लेकिन इस पत्रकार ने खुद को ही जज समझ लिया। अब इस पत्रकार को यह समझ में नहीं आ रहा कि इस तरीके की न्यूज डालकर इस पत्रकार ने क्या कर दिया। उस 55 साल के अधेड़ ने तो एक ही बार उस लड़की का विनय भंग किया, लेकिन इस पत्रकार ने इस तरीके की न्यूज डालकर उस लड़की का बार बार विनय भंग करवा दिया। अब ये न्यूज जितनी वायरल हुई है, जितने लोगों ने दिखा है, वहां वहां पर उन लोगों के बीच में इसने ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर एक लड़की झूठी है और वो 55 साल का छेड़छाड़ करने वाला, विनय भंग करने वाला आरोपी वो बहुत दूध का धुआं वाला इंसान है। एक बार हम यहां पर फिर से सभी पत्रकार संपादकों से आह्वान करेंगे, पत्रकार की एक जिम्मेदारी होती है, पत्रकार जज नहीं होती, वो कोई फैसला नहीं कर सकते। अगर क्या इस तरीके की संवेदनशील मामलों में अपना जजमेंट पास करके आखिर में पत्रकार क्या साबित करना चाहते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। हम यहाँ एक बात और आपको याद दिला दें, इसी पत्रकार ने अभी दो दिन पहले अचलपुर के एक थाने के बारे में कुछ यहाँ पे अपने जजमेंट पास कर दिया था, जिसके बाद मैं अचलपुर के पुलिस अधिकारी ने इसे थाने में बुलाया था, लेकिन ये पत्रकार अब तक वहां नहीं पहुंचा। अब ये दूसरी घटना हुई है, ये बार बार पुलिस विभाग को टारगेट करके, पुलिस विभाग को बदनाम करके आखिर में पत्रकार क्या करना चाह रहा है? बस इसका जवाब अब यहाँ के पुलिस विभाग को देना है, इसका जवाब अमरावती जिले के एसपी को देना है। अगर इसी तरह की घटनाएं बढ़ती रही तो पुलिस विभाग के हर कार्यप्रणाली पर सवाल या निशाने लग गया, जिस बारे में पुलिस विभाग को गंभीरता से सोचना चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय दीजिए, नमस्कार।